This is an ABP Life podcast. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सोजा जानेमन शो में। मेरा नाम है भावना। हम सब होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी है कृष्णा और राधा की। जब माखन चोर यानी कृष्णा छोटे थे तो उनके मामा कंस को ये पता चल गया था कि उनका मरना कृष्णा के हाथों में ही लिखा है। मामा कंस ने कृष्णा को मारने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गए। एक बार कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को कृष्णा को मारने भेजा। वो राक्षसी बहुत ही डेंजरस थी। जब राक्षसी कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उनके नगर पहुंची, तो जो भी बच्चा रास्ते में मिलता वो सपना दूध पिलाने लगती और बच्चा दूध पीते ही मर जाता था। आखिर में उन्हें कृष्णा मिले और पूतना ने कृष्णा को अपनी गोदी में उठाया और उन्हें भी अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में पूतना मर जाती है और हमारे कृष्णा बच जाते हैं। कृष्णा अपने मैजिक से उन सारे मरे हुए बच्चों को वापस से जिंदा कर देते हैं। लेकिन कृष्णा ने जो पूतना का दूध पिया था उससे उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल नीली हो जाती है। लेकिन जब कृष्णा बड़े होने लगते हैं तो उन्हें अपना ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता, स्पेशली जब वो राधा से मिलते थे। राधा उन्हें हमेशा चिढ़ाती थी कि तुम इतने काले क्यों हो। एक दिन कृष्णा रोते रोते घर आ गए और अपनी माँ यशोदा से बोले कि माँ मैं इतना काला क्यों हूँ, राधा कितनी गोरी है और मैं इतना काला हूँ। तो माँ ने उन्हें समझाया कि बेटा रंग रूप से कुछ नहीं होता है, राधा हमेशा तुम्हारी दोस्त रहेगी, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है। लेकिन हमारे कृष्णा को कहाँ चैन था, वो फिर से रोने लगे। तो माँ ने उनका दिल बहलाने के लिए मजाक में ये कह दिया कि तुम एक काम करो, तुम जाकर राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। कृष्णा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत जाकर राधा को अपने जैसा रंग लगा डाला। और तब से ही हमारे देश में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाने लगे। जब भी होली का समय होता है तो हमारा पूरा देश रंगों के पानी में सरोबार हो जाता है और राधा और कृष्णा की दोस्ती को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है मुझे बताइएगा ज़रूर। हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली और फूलों के साथ खेलना, पानी के साथ खेलना और थोड़ा सा गुलाल, पर केमिकल वाले रंगों से बिल्कुल मत खेलना और खूब सारी मिठाइयाँ भी खाना, स्पेशली गुजिया। मैं फिर मिलती हूँ एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।